आर्य कतरेका संघ ने गौलीपुरा का मेले की आराधी के तहफ़ को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी धरना मुनज़िम किया। एहतजाजियों ने बताया कि हुकूमत ज़बी खानों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का दावा करके कई अफराद को बेरोजगार कर दिया है, जबकि गौलीपुरा का मेले की आराधी पर नाजायज कब्जा जात का सिलसिला हनूज जारी है। तहम इन्होंने इस मसले पर हुकूमत से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। कबेला 15 साल पहले वो बंद हो गया, जब से इसको ओपन करने के बारे में आर्य कटिका संगम CPM के तरफ से आंदोलन कर रहे। अभी गवर्नमेंट 5 साल पहले उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया, अभी 2 करोड़ खर्च करके उसको बनाया वहाँ पे गौलपुरा कबेला को पूरा मॉडर्नाइज करके, बट अभी तक ओपन नहीं हुआ। वहाँ के जो लैंड ग्रैबर्स वो लैंड के ऊपर लिटिगेशन लाते लाते उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट के तेलंगाना आने के बाद 3 साल में या रेवेन्यू एडवोकेट्स म्यूनसिपल एडवोकेट्स वो केस में स्टे वेकेट करने के बारे में कोई कोशिश नहीं कर रहे। जो मंडी का इतना पैसा लगा के बनाया उसको ओपन करने के बारे में इतने बार हम प्रोटेस्ट करने के बाद भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। अभी इसलिए आज कलेक्टर ऑफिस में हम धरना दिया, कलेक्टर से रिप्रेजेंटेशन किया, इमीडिएट गौलीपुरा कमेला को ओपन करो। वहाँ हंड्रेड्स लोग अभी उसका बंद होने की वजह से पूरा उसका काम चले गया, इतना परेशान है। इसलिए गौलीपुरा कबेला को जल्दी से जल्दी ओपन करने के लिए सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं, अभी जल्दी से जल्दी काम करो बोल के अपने रिक्वेस्ट है। ये मसला निजाम सरकार के पीरियड में 80 साल पहले शहरवासियों को नगरवासियों को अच्छा मटन खिलाने के लिए 4 मसलक खोले गए थे, एक गौलीपुरा और एक जियागुड़ा और एक अंबरपेट एक मुस्तैदपुरा, 4 जगह निज़ाम नवाब ने ये 4 स्लाट हाउस खोले थे। वो स्लाट हाउस अच्छा तरह चल रहे थे, तेलुगुदेशम गवर्नमेंट आने के बाद में ये मसलक को बंद कर दिए, मॉडर्नाइजेशन करते बोल के इसको बंद कर दिए। बंद करके भी आज 12 साल हो गए, 12 साल से हमारे खसाई के लोग पूरे रोडों पर आ गए, बहुत ही बेगुजार हो गए, नौकरियाँ नहीं है, बेरोजगार हो गए, वो लोग खाने के लिए बहुत तड़पन है। इसीलिए प्रभु गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे स्लाटर हाउस को मॉडर्नाइज करने की सूरत पे बाहर से स्वीडन से मिशनरी मंगाकर मिशनरी को इलेक्शन किया गया, वो मिशनरी भी अभी ख़राब होने की परिस्थिति में है। लिहाजा वहाँ पर बल्दिया का 4 एकड़ ज़मीन बल्दिया की है, हाईकोर्ट भी ये ज़मीन बल्दिया को ही है बोल के हाईकोर्ट भी जजमेंट दिया। बाद में वहाँ के कुछ लैंड ग्राबर्स ने सुप्रीम कोर्ट को भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी यही हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया। बाद में वहाँ पर अभी गवर्नमेंट का लैंड पड़ा हुआ है वैसे, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये दोनों की अन्योन्यता दोनों का अनुनय संबंध लेने से वहाँ पर लोग गवर्नमेंट की ज़मीन को पूरा कब्जा कर बेच भी ले रहे हैं ज़मीन को। इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से आर्य कटिका भाइयों को मदद करने के लिए ये स्लाट हाउस को इमीडिएट खोलना, वरना आर्य कटिका संघ के लोग गवर्नमेंट के खिलाफ रहेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ भी वोटिंग करेंगे, ऐसा मैं कहते हुए पूरे प्रेस भाइयों को शुक्रगुजार करता हूँ।